पानसेमल में टायर फटने से मैक्स वाहन पलट गया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं दो अन्य घायलों का उपचार चल रहा है। पानसेमल थाना क्षेत्र अंतर्गत जालगोन के पास दगड़ घाटी में महिंद्रा मैक्स वाहन का टायर फटने से वाहन पलट गया, जिसमें राजू पिता दूर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल महिला मकड़ी बाई की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं दो अन्य घायल मृतक राजू की पत्नी रेखाबाई और सुभाष चौहान निवासी मोइदा का अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार वाहन में सवार सभी लोग गमी के कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान दगड़ घाटी में वाहन का पिछला टायर फटने से वाहन पलट गया। पानसेमल से शरद चित्ते की रिपोर्ट। हाँ, अभी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जलगोन के आगे दगड़ घाटी में एक महिंद्रा मैक्स सवारी वाहन पलट गई है। सूचना पर तत्काल बल के साथ मौके पर गए हैं, जहां पर मौके पर राजू पिता धुर सिंह मोरे बारेला समाज का है, ये करीब 32 साल का है, ये वाकपाड़ा का है, वाकपाड़ा महाराष्ट्र का है। इसकी मौके पर ही मृत्यु हुई है तथा चार अन्य जिसमें तीन महिलाएं घायल हुई है और एक चालक है सुभाष, ये भी घायल हुआ है। सभी को हॉस्पिटल इलाज के लिए भिजवा दिया गया है। इलाज के दौरान मकड़ी बाई पति सुदामा 45 साल, ये भी चांद सूर्या सांगवी के रहने वाले हैं, ये सभी आपस में रिश्तेदार है, जीजा साले हम सगी बहनें हैं। ये अपने गांव से अपने रिश्तेदार के यहाँ बंधारा खुर्द में कारण के मृत्यु भोज के कार्यक्रम में गए थे। ये कार्यक्रम से वापस जाते समय गाड़ी का टायर फटने के कारण पलटी हो गई है और जिससे दुर्घटना घटित हुई है और घायलों को सभी को हॉस्पिटल भेजा कर इलाज चालू करवा दिया है। सभी महाराष्ट्रीय नहीं, इसमें एक व्यक्ति जो सुभाष है, ये अपने ग्राम मोइदा पानसेमल थाना क्षेत्र का है, एवं सुभाष की पत्नी मीना, ये भी मोइदा की है, रेखाबाई, तो अपने था पानसेमल क्षेत्र के हैं, बाकी इनके रिश्तेदार महाराष्ट्र क्षेत्र के हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।